नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। सवाल आपका में आज बात उस बुनियादी समस्या की जो हर बारिश में एक बड़े पैमाने पर सिस्टम को मुंह चिढ़ाती नजर आती है। हरियाणा में बारिश के बाद की तस्वीरें कहती हैं कि कैसे ये सिस्टम पानी पानी हो रहा है। तो सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल हरियाणा के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बहादुरगढ़, भिवानी, फरीदाबाद, सोनीपत की तस्वीरें हैं। फरीदाबाद की हालत बारिश ने खराब कर दी। बारिश से शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। जलभराव ने एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। रुक रुक कर दो घंटे हुई बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। आलम यह रहा कि वाहन तो क्या, लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया। दिल्ली आगरा हाईवे पर भी कई स्थानों पर जलभराव हुआ और इससे ट्रैफिक जैम की स्थिति बन गई। जलभराव के कारण कुछ जगहों पर गाड़ियां खराब हुई। वहीं बहादुरगढ़ की भी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर तेज बरसात के कारण सेक्टर 6, 2 और 7, साथ ही जज्जर रोड, देवनगर सराय मोड़, मेन बाजार और महावीर पार्क कॉलोनी की गलियों में पानी भर गया। वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले को दिक्कत आई। इतना ही नहीं, शहर के जज्जर रोड पर स्थित सब्जी मंडी भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। मुख्य सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर गया। लोगों ने प्रशासन से सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। आगे भी बारिश होने की संभावना है और ऐसे में मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। भिवानी की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर, दादरी गेट, हनुमान गेट, बावड़ी गेट, कमला नगर, जैन चौक, हनुमान ठाणी, दिनौट गेट, इसके अलावा रोहतक गेट पर भी जल भराव हुआ। दिल्ली पिलानी राष्ट्रीय राजमार्ग भी बारिश के चलते दरिया बन गया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसके चलते दूर दराज जाने वाले वाहन चालक यहाँ समस्या झेलते रहे। बारिश ने नेशनल हाईवे समेत कई जगहों पर सड़कों में गड्ढे कर दिए, जिसकी वजह से कुछ हादसे भी हुए। भिवानी के हनुमान गेट पर नेशनल हाईवे 709E ने नदी का रूप ले लिया। आसपास के मकानों में भी पानी घुस गया और इसी तरह सोनीपत में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जो ना झेलनी पड़ रही हो। रोडें टूटी पड़ी हैं, पानी का भराव है। ये बड़े बड़े नाले बने जो किसी काम के नहीं हैं। सिर्फ यहाँ पे नाले खोद दिए जाते हैं, ऊपर सीमेंटेड ना इनकी सफाई होती है, पानी वैसा का वैसा ही है। बारिश से चारों तरफ पानी आने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या है, हनुमान रानी पिपली वाली जोड़ी पे गोड्डो गोड्डो तक पानी भरा हुआ है, आने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। हमेशा नाले भर जाते हैं, गोड्डो गोड्डो तक पानी भर जाता है। हमेशा बारिश आती, थोड़ी सी बारिश आती ही पानी भर जाता है। स्कूल में जाते वक्त परेशानी होती है, लेकिन क्या करें, स्कूल में आना तो पड़ता ही है। यहाँ का इतना बुरा हाल है ड्रेनेज सिस्टम का, पानी माड़ी सी थोड़ी सी बरसात होती है तो जो है ना पानी खड़ा हो जाता है और दो दो तीन तीन दिन तक पानी नहीं निकलता। सफाई नाम मात्र की भी नहीं है, बहुत बुरा हाल कर रखा है। तो कुछ अधिकारी मिलते ही नहीं है। तो कई घंटों की बारिश के बाद प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जो फिर एक बार ये कह रही है कि सिस्टम के उन दावों और वादों का क्या हुआ जिनमें विकास की गंगा बहाई जाती है। कुछ सवाल खबर फास्ट उठा रहा है। दरअसल ये सवाल क्या है, ये आपको बता दें। क्यों आखिर निजात नहीं मिलती हरियाणा में जिस तरह की स्थिति है वाटर लॉगिंग पर? क्या इसे अव्यवस्थाओं का बाढ़ मान लिया जाए? और क्यों ड्रेनेज, सीवर और बरसाती नालों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जरूरी हैं, क्योंकि विकास के बड़े बड़े वादे किए तो जाते हैं, लेकिन बुनियादी ढांचा, मूलभूत ढांचा ही अगर इतना कमजोर होगा तो आखिर विकास के उन वादों का, उन दावों का क्या मोल? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन चूंकि सवाल आपका कार्यक्रम है, इसमें आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़िए, फोन करके अपना सवाल पूछिए। और यहां पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। परिचय एक बार फिर से, परिचय आपका मैं करा दूं। हमारे साथ खालिद चालका जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दीपक चौहान जी बीजेपी नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दीपक चौहान जी,
अभी दो दिन पहले मुख्यमंत्री 2500 दिनों की उपलब्धियां गिना रहे थे, लेकिन उन उपलब्धियों के बीच आज जो ये तस्वीर आई, और ये कोई पहला मसला नहीं, हर बरसात में अमूमन यही तस्वीरें आती हैं सामने। क्या व्यवस्थाओं की बाढ़ हरियाणा में है, जो मूलभूत जो ढांचा है वो भी अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाया? देखिए भविष्य जी, जी मुख्यमंत्री जी ना जो 2500 दिन की अपनी एक पूरी हरियाणा में जो कार्य हुए, विकास कार्य हुए, उनकी एक सारा जो भी रोड मैप है, भविष्य का है, नीतियां हैं, क्या करेंगे, क्या किया है जी, इसका हरियाणा की जनता को बताया है, जो कि हकीकत है जी। जहां तक प्रश्न है वाटर लॉगिंग का, तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ समय के लिए कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाती है, जब अतिवृष्टि या रेनफॉल ज्यादा हो जाती है जी, तो उसमें कुछ चोकिंग की समस्या आती है जी। और इसमें सामाजिक रूप से भी यदि मैं कहूं तो जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहती है। कहीं पर पॉलिथीन डाल दिया, कहीं पर पॉलिथीन ने व्यवस्था को चौक कर दिया, कहीं पर कोई कबाड़ डाल दिया, उस व्यवस्था से भी आती है। परंतु जब अतिवृष्टि एक साथ एक ही स्थान पर ज्यादा हो जाती है, दिल्ली का भी मैं देख रहा था, काफी जगह दिल्ली में भी जल भराव की स्थिति है, और वर्ल्ड में आप कहीं पर भी देख लीजिए, जब अतिवृष्टि होती है तो थोड़ी समस्या 2-4 घंटे के लिए होती है। इसकी व्यवस्था में सुधार हो, एक व्यापक रोड मैप तैयार है, उसकी व्यवस्था के लिए कार्य किया जा रहा है, और भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए प्रशासन कार्य करेगा जी। चलिए वापस लौटूंगा दीपक चौहान जी, खालिद चालका जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, रोहतक से हमारे साथ रणवीर सिंह जुड़े हुए हैं। रणवीर, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार त्यागी साहब, मेरे को थोड़ा रिक्वेस्ट है, लाइव रखना, मैं अपने चौहान साहब से दो जो जवाब लेना चाहता हूँ जी। त्यागी साहब, नगर निगम में इतने बड़े घोटाले हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है जी। जब से शहरों के साथ ने गांव को निगम में जोड़ा है, तब से कोई फैसिलिटी नहीं है गांव में, न सीवर की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, 6 दिन में पानी मिलता है, और रोडों की हालत को आपको पता है, जो आज तक देश में ऐसी हालत कभी नहीं देखी, तो ये बताओ उसका टैक्स भेज दिया 5-5 साल पहले का, ये कौन सी सरकार है? तालिबानियों की सरकार है, किसकी सरकार? हम ये कहीं तो क्या बुरा नहीं है? अरे लूटने पर लगे हुए, गैस के दाम देखो, सब कुछ देखो, महंगाई ने मार दिया है, या देश के दुश्मन हो आप, जनता के दुश्मन हो क्या? आपने जनता ने गलती कर दी आपको बनाकर जी, कहाँ काम किया आपने ये बताओ मेरे को, ये काम किया हमने जनता के लिए? रणवीर सिंह जी, बिल्कुल मुद्दे पर आपने जो सवाल पूछा, सीवर व्यवस्था और नगर निगम में जो घोटाले हैं उनको लेकर आपका आपके सवालों का जवाब मैं लूंगा। दीपक चौहान जी से बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए, लेकिन एक बार खालिद चालका जी का रुख करूंगा। खालिद चालका जी, जिस तरह से प्रदेश में वाटर लॉगिंग की स्थिति बनी हुई है, बारिश की बात की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, आखिर इस तरह की स्थिति हर बार क्यों? क्या बुनियादी ढांचा अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाया? क्योंकि अब ये केवल मौजूदा सरकार की बनाई व्यवस्था तो नहीं है, आपने भी आपकी पार्टी ने भी प्रदेश में सरकार चलाई है, तो ये व्यवस्था आखिर दुरुस्त क्यों नहीं हो पाई? त्यागी साहब, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में हरियाणा के चारों तरफ के लोगों को सुनवाया, जिसमें भिवानी, फरीदाबाद, चारों तरफ के लोग थे, स्थानीय लोगों की बात आपने सुनी। त्यागी साहब, उन लोगों का जिस तरह का रिएक्शन है कि चारों तरफ हरियाणा एक तरह से चलते हुए मानसून में, ये समझते कि उतरते हुए मानसून में डूबने को जा रहा है, यहां तक कि इस बीते एक महीने के अंदर इस तरह की घटना भी हरियाणा में हुई त्यागी जी, कि लोग पक्की सड़कों पर डूब गए जी। और अभी सरकार के 2500 दिनों की जब सरकार उपलब्धि बता रही थी, तो उस वक्त को मात्र 25 दिन नहीं हुए कि सरकार के 25 दिन खत्म नहीं होते, उससे पहले हरियाणा में एक नया सवाल पैदा हो जाता है वाटर लॉगिंग का जी। आपने कहा कि सिस्टम की बात यह है कि सरकार प्रदेश की जो मूलभूत सुविधाएं उनकी तरफ त्यागी साहब कभी सरकार का ध्यान था, है और ना रहेगा। सरकार आज भी ब्रांडिंग में लगी है, कल भी ब्रांडिंग में लगी थी। आपने पीछे देखा, 5 किलो का अनाज देने के लिए 100 रुपए का बस्ता देती है, जिसपे सबके माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम के पोस्टर लगा के आप भेजती है, घर घर में आपके पोस्टर भेजे जा रहे हैं एक अनाज के माध्यम से। तो सरकार का जो सिस्टम है बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है, और जो नगर निगम है, महानगर के
जो जो हमारे ठेके हैं सभी भाजपा और भाजपा से जुड़े लोगों के पास उनके ठेके हैं। अभी गुड़गावा में पीछे माननीय बिज साहब आए, वो नगर निगम के एक कार्यालय में तो जाते हैं लेकिन इस समस्या पे कुछ नहीं कहते, उल्टा ये कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। खुद खुद सरकार के गृह मंत्री कहते हैं, पर पीछे पर्चे लीक हुए सरकार के तो खुद गृह मंत्री ने ये कहा, कि सरकार को इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। सरकार के ऊपर सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे, तो विपक्ष की तो अगर आप ये कहें कि विपक्ष के समय भी सरकार थी तो ये हमारे समय की इस तरह की स्थिति हरियाणा की नहीं थी। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है त्यागी जी कि जो हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को छोड़ के इस प्रदेश में जो भी कर्मचारी है सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं है। आपको ये व्यवस्था सुधारने के लिए कम से कम इसका मूल जो है, इसकी जड़ जो है सफाई कर्मचारी इस प्रदेश के जो है उनको कुछ सुख सुविधाएं साधन संपन्न करना होगा, तब आपको कहीं ना कहीं इसकी कुछ आपको सुधार मिल सकता है। लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है त्यागी जी, और पूरे प्रदेश को आप ये चाहते हो मानसून में अगर इस तरह की प्रदेश की स्थिति है और मानसून के बीच में क्या रही, यहाँ तक कि लोग पक्की सड़कों पर डूब गए, तो सरकार को सोचना चाहिए त्यागी जी कि ये जो स्थिति है ये उनके, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता सुन रहा था त्यागी जी आपने भी सुना, उन्होंने कहा कि इसके लिए जनता दोषी है। देखो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आप अपना अपना दोष प्रदेश की जनता के सर मन रहे हैं, ये शर्मनाक बात है कि आपकी जो जिम्मेवारी है उसके लिए आप प्रदेश की जनता को जिम्मेवार ठहराए कि वहां नहीं। खालिद साहब आपने अलग अलग मुद्दों को उठाया, सरकार को निशाने पर आप ले रहे हैं और आप बड़ी आप उस सवाल को आपने कहीं ना कहीं डॉज कर दिया। मैं तो ये पूछ रहा था कि कांग्रेस के वक्त में भी क्या रहा, किस तरह की व्यवस्थाएं बनी, अगर मूलभूत सुविधा उस वक्त ये मूलभूत जो बुनियादी ढांचा है ये मजबूत होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। देखो त्यागी जी, कांग्रेस के शासन में आपको आप पीछे देख लीजिए या चेक कर लीजिए, करवा लीजिए, कभी सफाई कर्मचारियों को या प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको कभी तकलीफ जैसी कोई बात नहीं। इस जो पानी की जो समस्या है महानगरों में नगरों में, इसका हमारे पास जो एक मूल समाधान है, हमको सफाई कर्मचारियों को साधन संपन्न उनको मजबूत करना होगा। वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में चले जाते हैं तो वो चीजें कहां से सुधरेंगी, और सरकार कहती है कि जनता दोषी है। अब इसमें दोषी किसको माने, हम सरकार सफाई कर्मचारी को दोषी मानेंगे सरकार की जनता? तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार, खाली साहब आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल ड्रेनेज सिस्टम सीवर सिस्टम सारा दुरुस्त है, केवल सफाई कर्मचारी नाराज है? नहीं, मैंने कहा जो लोग उस व्यवस्था में काम करते हैं जी, अगर आप उनको मजबूत रखेंगे साधन संपन्न रखेंगे त्यागी जी, तो जो कुछ हद तक इस समस्या से निपटा जा सकता है। चलिए ठीक है, लेकिन सरकार को उस तरफ ध्यान नहीं है, सरकार तो खुद की ब्रांडिंग में लगी है। चलिए ठीक है, वापस लौटूंगा आपके पास, जवाब भी मैं इसका लूंगा, लेकिन एक दर्शक जगदीश हमारे साथ पानीपत से जुड़ रहे हैं। जगदीश बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी श्रीमान जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि प्रत्येक शहर का ये हाल हरियाणा में, थोड़ी सी बारिश आती है जलमग्न सड़कें हो जाती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पानीपत से सनोली रोड पर केवल 15 किलोमीटर वो पुल है सनोली रोड, जहाँ पर आप जमुना पार दर्शा है, ये कम 1 किलोमीटर भी ऐसा नहीं है जहाँ ना टूट रहे हो। पानीपत से जो हाईवे का जो रोड है, जो पुल जो शुरू होता है, उस पर शिवहाट और खादी आश्रम के पास पर इतना लंबा जाम था, मतलब इन्होंने कोई बाईपास नया बनाया, कोई रोड इन्होंने नया बनाया, कोई कॉलेज इन्होंने नया बना रहे, सरकार का पैसा जाता रहा, कम से कम कोई निर्माण तो दिखा दो। थोड़ी सी बारिश में हरियाणा का ये हाल है, अगर यहाँ कोई अच्छी बारिश हो जाए 95 वाली कोई फ्लड आ जाए तो प्रशासन क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, आम जनता मरेगी क्या? ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ा दी, गैस सिलेंडर और तेल इतना बढ़ा दिया, ये महंगाई क्या आ रही है? चलिए आपने उदाहरण देकर सनोली रोड पर जो आपने उदाहरण दिया उसको लेकर आपने सवाल पूछा, इसका भी मैं जवाब लूंगा। जगदीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल पूछने के लिए। दीपक जी, पहले आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि नालों में जिस तरह की गंदगी वो फैलाते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये जैसी बात खालिद जी ने भी कही कि भाई सफाई कर्मचारी को थोड़ा सा उनको सुविधाएँ दीजिए, वो बेहतर काम करें, और साथ ही साथ क्यों एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जाती कि वक्त पर इनकी सफाई हो? आप कह रहे हैं गंदगी लोगों ने फैलाई, लेकिन सरकार भी तो एक साफ सफाई की व्यवस्था बनाती है। भविष्य जी, सबसे पहले मैंने जनता पर कोई सवाल नहीं उठाया, मैंने एक सामाजिक जागरूकता का एक विषय उठाया जी,
और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद भाई यहां पर न्यूज चैनल पर आके बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं विकास कार्यों की, तो 2004 से लेकर 2014 तक कैसे विकास हुए कांग्रेस के अंदर, किस तरीके से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला, वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सफाई कर्मी बहुत खुश थे। एक मिनट भविष्य जी मेरे को जवाब दे लेने दे। किस प्रकार कुमारी शैलजा ने जो मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष हैं ऑस्कर फर्नांडिस को बुला के अपने क्षेत्र की सड़कों का हाईवे का हाल दिखाया था जी, आप किस विकास की बात कर रहे हैं? और इतना विकास की गंगा कांग्रेस ने बाही थी 10 साल के अंदर, तो उसका क्या हश्र हुआ आज तक, ना हरियाणा प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर जनता ने कांग्रेस मुक्त एक नारे को चरितार्थ करके दिखा दिया। आप बात को अपने तरफ देखिए कि आपने क्या मुद्दों को किस प्रकार से आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक मजबूत करने का कार्य किया था क्या? आप दो जिलों में आपकी सरकार सिमट कर रह गई थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए बराबर से पैसा दिया, वहां पर कोई भेदभाव किसी विपक्षी पार्टी के साथ, ये विपक्ष भी मानता है। राजनीतिक आरोप अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप दीपक जी अपनी जगह है, लेकिन मैं व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए अगर इतनी दुरुस्त व्यवस्था होती तो तस्वीरें नहीं निकलती ना। प्रवक्ता ने राजनीति की है तो राजनीतिक जवाब भी सुनेंगे। पूरा प्रशासन एक्टिव है, जल्दी से जल्दी पानी को निकाला जाएगा, व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा जी। नहीं तो आखिर चूक कहाँ हुई? आप ये कह रहे हैं सरकार की तरफ से पूरा पैसा दिया जा रहा है विकास कार्यों में, दीपक जी अगर पूरा पैसा आ रहा है, पूरा पैसा दिया जा रहा है, सरकार काम कर रही है, तो चूक कहाँ पर हो रही है दीपक जी? हाँ जी, आखिर चूक कहाँ पर हो रही है? आप कह रहे हैं कि सरकार पैसा दे रही है विकास कार्यों के लिए, लगातार काम हो रहा है, लेकिन आखिर चूक कहाँ हो रही है जो ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है? देखिए चूक का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि एक तो मैंने आपको जैसे आंकड़े बताए, दिल्ली एनसीआर दक्षिण हरियाणा में अतिवृष्टि के कारण ऐसी समस्या आ जाती है, ये जर्मनी में भी आ जाती है, ये अमेरिका के अंदर भी आ जाती है, परंतु प्रशासन उस पर कितनी जल्दी एक्टिव होगा और कितनी जल्दी लोगों को उस समस्या से निजात दिलाएगा, प्रश्न यहां पर यह है। ये प्रश्न नहीं कि अतिवृष्टि हो गई, लॉगिंग हो गई, सामाजिक जागरूकता की बात की थी, ये उसको जनता से जोड़ रहे हैं खालिद भाई, पर जनता समझ रही है? नहीं तो सर जनता परेशान भी तो हो रही है। चल चलिए वापस मैं लौटूंगा, आपके पास भी आऊंगा खालिद जी, आप भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक दर्शक को जोड़ लेते हैं। राज जी हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल ले लें। राज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, पूछिए अपना सवाल। त्यागी साहब जी, मैं अपने दीपक साहब से पूछना चाहता हूँ जी, आप सिर्फ कांग्रेस का रोना रोते रहोगे या कुछ काम भी करोगे जी? आपने जो कांग्रेस ने रोड़े बनाए थे उनको त्रिपेर तक नहीं कर पाए हैं, या आप ये बताइए हमने ये काम किया है? आपने सिर्फ जनता को लूटने में लगे हुए हो और कुछ कर भी रहे, या कांग्रेस को कोसने में लगे हुए हो? क्या किया आपने आज तक? मेरे निवेदन दर्शकों से ये है कि जब हम सवाल आपका में आपकी बात रखते हैं तो आप कम से कम मुद्दे पर अपना सवाल पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल खैर अपना समय खबर फास्ट को देने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए, और मुद्दे पर आप लगातार अपने सवाल उठा सकते हैं। खालिद जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। खालिद जी मैं कहना ये चाह रहा था, अभी उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये जो कह के बातों से पलट जाना है, भाजपा के लोगों को पता है, आप पीछे रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि जनता इसके लिए दोषी, चले इसको छोड़ दीजिए। अब मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, पिछले बीते वक्त में जब आपने सरकार में आप प्रचार के लिए गए तो आपने कुछ स्मार्ट सिटियों का वादा किया था, आप जरा बताइए इस प्रदेश की जनता को, तो आपने 7 साल में कितने स्मार्ट सिटी बताए? जो सिटी बने हैं, जो सड़कें बनी है प्रदेश की, और जो हुआ है वो तो आप सजो के नहीं रख पा रहे, स्मार्ट सिटी देना आपकी पहुंच से बहुत दूर की बात है, वो वादा है आपने कर लिया। खुद आपकी सरकार के साझेदार डिप्टी सीएम ने 4-5 दिन पहले कहा कि अभी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कुछ आंकड़े बताए कि पिछले साल इतनी बारिश हुई थी, इस बार इतनी बारिश हुई है, बावजूद उसके इस तरह की समस्या नहीं आई है। पिछले साल पूरे देश ने नहीं देखा कि गुड़गांव में किस तरह से 48 घंटे जाम में खड़े रहे। तो ये आप जब आपसे सवाल पूछा जाता है त्यागी जी भाजपा से, तो उनका रिएक्शन ये आता है कि
उनकी सत्ता में क्या हुआ था? अरे आप कुर्सी में बैठे, प्रदेश के लोगों ने आपको कुर्सी में बिठा के रखा है ना, आपको सत्ता दे रखी है, तो जवाबदेही अपनी खुद की तय करिए। जब आप कुर्सी में बैठे या तो आप जनता को दोषी बता रहे हैं, आप उसमें भूतकाल में चले जा रहे हैं, तो ये जवाब नहीं है, ये जवाबदेही नहीं है। सरकार चाहिए प्रदेश को जवाबदेही वाली सरकार। अब उनको ऐसा वहम है ना, आप उनको वहम है कि उनका उनका उनकी सरकार, उनकी सरकार बड़ा विकास के नारे पाई। तो मैं उनको समझा देता हूँ, मेरे भाई आपकी सरकार इस देश के और प्रदेश के अंदर एक धार्मिक उन्माद का वो जगह के आई थी, उसमें विकास नाम की कोई चीज थी, है और ना रहेगी। ये आपकी सरकार का असली रूप है ये। लेकिन बहुत जल्दी लोगों को सब कुछ चाहिए, लोगों को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, लोगों को सुविधाएं चाहिए, लोगों को चलिए अच्छा जवाब दीजिएगा दीपक, दीपक जी जवाब दीजिएगा। लेकिन एक सवाल मैं ऐड कर दूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपने अमेरिका जापान का जिक्र किया, ये आपको लोगों के समझ में नहीं आएगा और ना ही आप इसको समझ सकते। दीपक जी मेरा सवाल भी सुन लीजिए, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। फिर आपने अमेरिका जापान का जिक्र किया, मेरा सवाल यही था, क्योंकि पहले भी मैंने सवाल पूछा कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। अगर पैसा सरकारों की तरफ से आ रहा है तो चूक आखिर हो कर रही है। इसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अमेरिका जापान जैसी व्यवस्था सीवर या ड्रेनेज सिस्टम को लेकर लागू कर दिया, क्या क्या वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, क्या क्या हम उसे लेकर आए इन तमाम समस्याओं को देखते हुए? देखिए भविष्य जी, हर क्षेत्र में मैं नहीं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, परंतु सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि हर जिले में, हर कस्बे में एक ऐसी व्यवस्था कायम हो। उसके लिए कुछ स्वचालित मशीनें यहाँ पर मंगाई भी गई हैं और उनसे सफाई होती भी है। जहां तक ये चोकिंग का सिस्टम है, कहीं पर निर्माण कार्य यदि चलता है तो वहां पर ऐसी समस्या आ जाती है, और प्रशासन की भी चूक होती है। मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पर बैठकर कि प्रशासन की कोई चूक नहीं है, परंतु प्रशासन को एक्टिव किया जाता है, समय समय पर सफाई की व्यवस्था की जाती है। अब की बार कुछ कोरोना के चलते 2 साल से कुछ वक्त से पहले वर्षा काल से ये समस्या ये है कि सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई, कहीं कहीं ऐसी समस्या आई है। पूरे हरियाणा में ऐसी कोई समस्या नहीं है, जहां पर कहीं आप ऐसा तर्क दे दीजिए जैसे अभी पीछे भाजपा नेता का ब्याह 2 दिन पहले आया मेरे भाई, कि एक ऐसी ऐप आ गई है जो बारिश को कंट्रोल करेगी, कंट्रोल कर सकती है कहीं कम कहीं ज्यादा। आप भी कोई ऐसा तर्क दे दीजिए। मैं आपके आपका जो सुविधाओं वाली बात है उसका आपको बता देता हूँ। गुड़गांव वहां महानगर कार्यालय के निगम के कार्यालय लोगों ने कहा है कि हमारे पास धन नहीं है। ये अखबार की खबर आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि हमारे पास धन नहीं है, हम कैसे सब कुछ ठीक कराएं। और खुद विधानसभा में गुड़गांव के निर्दलीय विधायक जो सरकार को समर्थन करते हैं, उन्होंने गुड़गांव के ये इसका पानसी ब्रिज का मुद्दा उठाया है। तो ये तो आप किसी दूसरे को दोष देने की बजाय गिरेबान में झांकने की जरूरत है सरकार को, कि सरकार के साथ उनके सहयोगी और उनके कर्मचारी अधिकारी क्या कहते हैं और क्या वो डिमांड कर रहे हैं। तो सरकार के वो तो दावा कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी आप ले आते तो आज ये तस्वीर नहीं होती। वो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे त्यागी जी, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि महानिगर के कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास धन नहीं है, और खुद गुड़गांव के विधायक ने मुद्दा उठाया है। इन्होंने सफाई कर्मचारियों को पिछले 50 साल शासन किया, ये साधन संपन्न नहीं कर पाए। अब ये कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को साधन संपन्न कर दिया जाए। जी तो आपका क्या इरादा है कि आप क्या इरादा है, आप क्या चाहते हैं कि 50 साल में किसी नहीं? दीपक जी देखिए, 7 साल आपकी सरकार को भी हो गए के साथ विकास। अब जैसा जनता भी कह रही है कि भाई कांग्रेस को कोसना छोड़िए, उनका वक्त गया, आपका चल रहा है, आप भी तो जिम्मेदारी लीजिए। इनकी पोर्ट किया, ये कह रहे थे कि सफाई कर्मचारियों को साधन संपन्न किया जाए। हमारी सरकार में साधन संपन्न है, आप किस तरह से सफाई कर्मचारियों को साधन संपन्न करते थे वो एक बार यहाँ पर न्यूज चैनल पर बैठकर बताया जाए, ताकि हम भी आपसे कुछ शिक्षा लें। दीपक जी, आप कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि दूसरा टेन्योर है, 7 साल आपके पूरे हो चुके हैं, क्या अब इन 10 सालों में, 10 सालों का वक्त आपको मिला है, क्या इन 10 सालों में ये व्यवस्था दुरुस्त हो पाएंगी? क्या मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या सीवर ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त हो पाएंगे, क्या आने वाले समय में इस तरह फिर से सवाल ना खड़ा हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड क्लास सिस्टम बनाया जाएगा, समय लगता है, और जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, सड़क निर्माण हो रहे हैं,
सड़कों की निर्माण की गति कोरोना काल में भी थमी नहीं, उससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में विकास की एक व्यवस्था ऐसी बनाएगी जिसको वर्ल्ड क्लास कहा जा सकता है। चलिए, आश्वासन आपने दिया है, उम्मीद जनता को है, नहीं तो फिर से अगली बार अगली सरकार इसी तरह के दावे करती रहेगी, आप विपक्ष में होंगे और यही आरोप लगा रहे होंगे, इस तरह की तस्वीर ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं, पूरे प्रदेश की जनता उम्मीद करती है। वक्त की मेरे पास कमी है दीपक जी, मुझे इस डिबेट को यहीं वाइंड अप करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खालिद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये तस्वीरें हमने देखी, कई इलाकों की ये तस्वीरें बारिश के बाद सामने आई, सवाल कई हैं, क्यों आखिर अब तक पुलभूत ढांचा दुरुस्त नहीं हो पाया, क्यों वाटर लॉगिंग की समस्या हर बार की तरह इस बार भी लोगों को परेशान कर रही है। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें जारी है। आपकी धान